माननीय ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दिल्ली की विधानसभा में बैठाना है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती, बाबा साहेब माननीय काशीराम साहेब, मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम, अमर रहे। देखिए मैं अपने भी बच्चों को छोड़कर बहन जी के शिक्षण में लगा हुआ हूँ। हाँ बड़े भाई, इससे बहन जी मुख्यमंत्री बने, मेरी यही एक आस है जिससे बहन जी उत्तर प्रदेश की सरकार बैठे और इन नौजवानों को। बहुजन समाज पार्टी के देखिए अपने बड़े भाई जसपाल को मुझे याद आ गई, चुनावी जनसभा की बात करते थे जैसे आपने लोग कहते थे उसी प्रकार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय फिलहाल इस दुख को हम समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तो आखिरी सवाल ये अपने भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं, युवा के लिए क्या कहना। देखिए मैं आज इलाहाबाद की पहली बार धरती पर आया हूँ, मैं जितने माता बहने छोटे बड़े भाई जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ और देखिए बहन जी का कारवा आगरा से शुरू हुआ और आज प्रयागराज में हैं हम। पहले आगरा, गाजियाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, बुंदेलखंड, बांद्रा, प्रयागराज और तुम्हारा कल अयोध्या नगरी अम्बेडकर नगर अकबरपुर में था और उसके बाद में आज आपके बीच जा पहुंचा हूं प्रयागराज में, इलाहाबाद में। जैसे जैसे मैं सभी रैलियां कर रहा हूं, माननीय बहन जी की रैलियों में एक ये जन सभा रैली नहीं, एक जन सैलाब होता है, ये रैली नहीं रेला है बहन कुमारी मायावती जी का। और एक चीज़ हम आपको बता दूं, यह जो बहन जी की रैलियों में जो भीड़ होती है ये कोई रुपए पैसे की भीड़ नहीं है, ये लोग अपनी माननीय बहन कुमारी नेता को सुनने के लिए देखने के लिए आए हैं कि हम अपनी बहन कुमारी मायावती जी को, अपनी महापुरुष को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। बहुत से लोग तो देखिए हम जैसे हम यहाँ पे अंदर हैं और बहुत से लोग मिलेंगे तुमको 2 किलोमीटर दूर तो क्या कहते हैं वो, अरे हमने देख तो लिया बहन जी को, सुन अपने मोबाइल पर लेंगे, टीवी पर लेंगे। तो बहन कुमारी मायावती से सभी लोग आस्था लगाए बैठे हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, यूपी उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में आए और सभी को रोजगार मिलेगा। ये बताइए हर रैली में आप कटआउट को लेकर खड़े रहते हैं, कटआउट का वजन क्या होगा? देखिए कटआउट नहीं है ये भाई, कटआउट देकर के गाली मत दीजिए, यह एक मिशन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब जी का, माननीय काशीराम जी का, बहन जी का, मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी का। इसमें 20 किलो वजन है भाई, इतना वजन कटआउट है आपका, 20 किलो का है, अभी खड़े भी नहीं हो पा रहे, किस तरह से खड़े रहते हैं? देखिए यह एक मिशन है और जब तक माननीय बहन जी नहीं आ जाएंगी और जब तक बहन जी जब तक नहीं जाएंगी मैं इसी प्रकार खड़ा रहूँगा, घूमता रहूँगा। इसी प्रकार मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी थे, वो जब तक देखिए मैं तो थोड़ी बहुत कमी भी कर देता हूँ लेकिन मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी मुझसे भी निडर थे, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। जिस प्रकार मेरे बड़े भाई मेहनत किया करते थे, मैं तो देखिए अभी आपके सामने जो है यशपाल गौतम जी अब नहीं रहे, क्या बसपा की सुप्रीमो महल मायावती जी आप लोगों को पर्सनल कभी मुलाई हैं, मुलाकात की है? देखिए जैसे मैंने आपसे बताया 28/4/2021 हमारे बीच हमारे बड़े भाई नहीं रहे, जिस टाइम हमारे बड़े भाई हमसे हमारे से दूर हुए थे उस समय चुनावी दौर चल रहा था नगर पंचायत,
उस समय 14 अप्रैल के बाद उन्होंने एक हल्का काम करते थे, वो अपने बेटियों को पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी और बहन जी का विवाह का मिशन चलाने के लिए एक ठेले का फल फ्रूट का काम करते थे। उन्होंने वो ठेला भी बंद कर दिया, अपने फल फ्रूट का काम भी बंद कर दिया। वो अपने लग गए चुनाव प्रचार प्रसार में और 2 हफ्ते करीब चुनाव प्रसार प्रसार करते रहे और अचानक मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी की तबीयत खराब हो जाती है और हमें बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। हमारे बीच हमारे बड़े भाई, जैसे हमको, हम तो 4 भाई हैं, चारों भाई अपने बड़े भाई के पास रहते हैं। देखिए उसमें एक राजनीति साजिश हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं आप। जैसे हमारे एक देवनंदिनी हॉस्पिटल है बड़ा, उन्होंने वो बीजेपी वालों का है। मैं यहाँ तक भी मेरा विश्वास है उसमें बीजेपी वालों का, देवनंदिनी हॉस्पिटल वालों का एक षड्यंत्र है मेरे बड़े भाई को ख़त्म करने का। जैसे आप जानते हैं मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी ने निस्वार्थ 30 साल बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, उसमें एक षड्यंत्र क्या हो सकती है। जैसे मेरे बड़े भाई बीएसपी स्टार प्रचारक थे और देश विदेश टोटल यूपी उत्तर प्रदेश कोई देश राज्य है, कोई छोटा मोटा गांव ऐसा नहीं था जो मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी को नहीं जानता हो। उनकी काफ़ी अच्छी बहुत दूर तक पहचान थी, काफ़ी दूर तक उनके नाम था, मिशन था। देखिए जिस टाइम मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ उस समय ऑस्ट्रेलिया उत्तर कोरिया कहाँ कहाँ से बताऊंगा मैं आपको, मैं नाम भी नहीं ले सकते थे, इतनी जगह से मेरे बड़े भाई के लिए फ़ोन आए। और उसी चीज़ को सोचते हुए देखते हुए जिस प्रकार मेरे बड़े भाई मिशन को चला रहे थे, मैं उसी प्रकार अपने बड़े भाई यशपाल गौतम जी के मिशन को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। जब तक मेरे शरीर में जान है दम है मैं इसी प्रकार मेहनत करता रहूंगा। मेरे बड़े भाई का मिशन है, मेरे पापा जी का मिशन है। यशपाल गौतम जी अब नहीं रहे, घर को चलाने के लिए खर्चा भी चाहिए होता है और आप एनी टाइम जो है बीएसपी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, क्या आपका खर्च कहां से आता है, क्या बीएसपी संरक्षण देती है जी? 2 साल 2.5 साल करीब कोरोना काल में हो गया, जब से थे हमने कुछ काम नहीं किया है। हमारे कोई ऐसे तो है नहीं कि हमारी नौकरी है या कोई हमारे कोई कहीं और से पैसा आ रहा है, हम तो भाई मजदूर आदमी हैं, काम लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमारे भी देखे 2-2.5 साल करीब कोरोना काल में हो गए और 1 साल करीब हमारे बड़े भाई को, हमारे बड़े भाई 28/4/2021 हमारे बीच नहीं रहे, तो इस स्थिति को, आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें को करीब करीब 2.5-3 साल हो गया है जब से हम कोई काम धंधा नहीं किए हैं और अब चुनाव प्रचार चल रहा है। हम अपने घर से 2 फरवरी से निकले हुए हैं, 2 फरवरी से निकलने के बाद माननीय बहन जी की जहाँ भी रैली होती है, चाहे आगरा हो, गाजियाबाद हो, अमरोहा हो, सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, बरेली हो और तुम्हारा बुंदेलखंड, प्रयागराज, पूर्वांचल में जहाँ भी बहन जी की रैली है मैं सभी जगह पहुँच रहा हूँ। मेरे भी घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, माँ है, बहन है, सभी चीज़ है। लेकिन पहले सबसे क्या है, मैं सब चीज़ को, जब तक मेरी बहन कुमारी मायावती जी 5 बार मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगी जब तक मैं यही इसी प्रकार मेहनत करता रहूंगा। देखिए क्या होता है कि आप घर को कब तक चलाएंगे और बीएसपी के तरफ से कोई संरक्षण नहीं मिलता है, किस तरह से कार्रवाई को? देखिए बड़े भाई, मैं बीएसपी का एक छोटा मोटा सा युवा कार्यकर्ता हूँ जो है, और देखिए आर्थिक स्थिति हमारे घर की काफ़ी ख़राब है, हमारी कोई नौकरी नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है, ना ही हमारा कोई कमाने वाला है, ना कोई खाने वाला, हमारा कोई कमाने वाला तो है नहीं और कोई बैठा नहीं है। और इसी प्रकार जिस प्रकार से मेरे बड़े भाई हमारे बीच नहीं रहे, उनके भी 3 बेटियां हैं, आज हमको बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि हम अपने बड़े भाई के जाने के बाद हम उनकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ की सहायता नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, बताइए हम क्या करें। हमारे कोई हमारे परिवार है, बीवी बच्चे हैं, सभी चीज़ हैं। अब हमारे बीवी बच्चे देखिए हमसे भी दुखी दूर हैं, हम भी उनसे दूर हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। आज का टाइम वो आ गया है जिस औरत ने, हमारी भाभी माँ ने आज तक घर से बाहर पैर नहीं रखा, अपने यहाँ पर भी, अपने घर में भी, अपने ससुराल में भी, आज वो समय है बड़े भाई के, मेरे भाभी माँ आज 100 रुपये की मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाती हैं, खेतों में जाती हैं। हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, हमसे ऐसा देखा नहीं जाता। अच्छा ये बताइए जो है उनके गुजर जाने के बाद कभी समाज को महसूस नहीं हुआ कि वो गुजर गए, आप हैं, लेकिन आपको किस तरह से महसूस होता है यशपाल गौतम जी के लिए? देखिए महसूस तो हमको भी जिस टाइम में हमारी एक बेटी है 5 साल की, मेरे बड़े भाई की छोटी बेटी है संगमित्रा, वो हमसे एक सवाल करती है, नो चाचा जी मेरे पापा जी कहाँ हैं।
नो चाचा जी मेरे पापा जी कहाँ हैं बेटे, मैं कहा बेटा तुम्हारे पापा जी माननीय बहन जी की रैली में गए हैं और वो आ जाएंगे। और अब भी उनका मेरे पास फ़ोन आता है मेरी बेटी का, संगमित्रा काजल का जो है, तो मैं उसको यही दिलासा देता हूँ कि बेटा मैं तुम्हारे पापा जी को लेके आऊँगा और बताइए मैं क्या कहूँ इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद वो काफ़ी रोती है, पूरी रात भर रोती है और हमसे कभी कभी ऐसे भी होता है गुस्सा भी जाती, बात भी नहीं करती है, क्योंकि हम तो उससे कह देते हैं हम तुम्हारे पापा को लेकर आएंगे लेकिन मैं कहाँ से लेकर आऊँ, पापा को लाने के लिए मुझे भी उनके पास जाना पड़ेगा, फिर मैं भी नहीं आ पाऊँगा उनके धोरे से। देखिए मैं अपने भी बच्चों को छोड़कर बहन जी के सिलसिले में लगा हुआ हूँ। हाँ बड़े भाई से बहन जी मुख्यमंत्री बने, मेरी यही एक आस है जिससे बहन जी प्रदेश के काम बैठे और इन नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी के। आखिरी सवाल ये है, यशपाल गौतम जी का जो मिशन रहा है, कारवा रहा है, कब तक कहां तक ले जाएंगे? देखिए कारवा और मिशन, जब तक मेरे शरीर में जान है दम है मैं भी उसी प्रकार मेहनत करता रहूंगा अपने बड़े भाई की तरह, और मिशन को जहां तक मेरा प्रयास रहेगा मैं आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। और मिशन 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और मिशन 2024 में माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दिल्ली की विधानसभा में बैठाना है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती, बाबा साहेब माननीय काशीराम साहेब, मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या कभी दूसरी पार्टी वाले लोग भी आपको टच करते हैं, पूछते हैं कि हमारे रैली में ऐसा प्रचार? देखिए हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं बड़े भाई, हमें रुपए पैसे किसी का चीज़ का लालच नहीं है। जिस टाइम मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ था उस टाइम अदर पार्टियों के अन्य पार्टियों का भी फोन आए हमारे पास, लेकिन नहीं, हमने मना कर दिया। बड़े भाई हमने 3 कुर्बानियाँ दी है बाबा साहब के मिशन में, और आज अपने बड़े भाई को खोकर के हम दूसरे पार्टी में चले जाएं? नहीं, हम भाई दागी नहीं हैं, हम कम वो नहीं हैं, हम मिशन अम्बेडकरवादी लोग हैं। जागर हमारा पतन भी इसी में है, पतन भी इसी में है, बाबा साहब के मिशन में हमारा पतन है, इसी में मिशन है हमारा। अन्य पार्टी फोन आते रहते हमारे पास, बीजेपी का भी, जो तुम्हारा सपा का भी, आजाद समाज पार्टी का भी, लेकिन नहीं, हमने उन लोगों का सपा था और मान सपा मान तौर से मना कर दिया। हम भी मरेंगे भी इसी में और जिएंगे भी इसी में, BSP पार्टी में ही। हमारे पिताजी भी इसी में चले गए, हमारा बड़े भाई यशपाल गौतम जी भी, और मैंने अपने एक बेटा 4 महीने का खोया है इसी दौरान अपने बहुजन समाज पार्टी के मिशन में ही। उस टाइम हम अपने 23 दिसंबर 2 अप्रैल SC ST एक्ट में माननीय बहन जी से मिलने गए हुए थे नखलेव कार्यालय पर, इसलिए कि 2 अप्रैल SC ST एक्ट में जो बच्चे हैं पीड़ित हैं, हमारे युवा साथी नौजवान साथी, जो बीजेपी सरकार ने हमारे समाज पर सर्व समाज पर अत्याचार किए हैं, उन बच्चों को उनको छुट्टी दिलाई जाए, उनका इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए। उसमें करीब हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में 18-19 हज़ार बच्चे हैं, तो उसके इंसाफ के लिए हम माननीय बहन जी से मिलने गए हुए थे। हम 27 जिलों के कोऑर्डिनेटर थे भाई उसमें, उस दौरान मेरा बेटा हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन एक बाबा साहब की बात याद आ गई बड़े भैया, बाबा साहब ने कहा था मैं अपने एक बेटों के लिए इतने बच्चों की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकता, वो वाली बात मेरे याद आ गई थी बड़े भाई। तो देखिए मेरा तो एक बच्चा है, और जो तुम्हारे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर इन राज्यों में उत्तराखंड में पूर्वांचल में बुंदेलखंड में यूपी उत्तर प्रदेश में, वो भी तो मेरे माई माँ बहन भाई, किसी माँ के लाल होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी के भाई होंगे और उस किसी के बेटे होंगे, क्या वो मेरे भाई बहन नहीं लगते क्या किसी प्रकार से, जो मैं उनके इंसाफ की लड़ाई भी नहीं जा सकता? अच्छा ये बताइए, आप हर रैली में जाते हैं, वहाँ का माहौल क्या रहता है? और यहाँ का माहौल ऐसा है कि अभी बहन जी आई नहीं है और भीड़ इतनी हो गई है कि जगह नहीं है पैर रखने के लिए। देखिए माननीय बहन जी का ये कोई रुपए पैसे की भीड़ नहीं है, ये अपनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी नेताजी को रुपए बिगर रुपए पैसे के देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। ये जैसे तुमने देखा होगा अभी परसों पल्ले दिन 18-19 तारीख में एक बुंदेलखंड में रैली हुई है बीजेपी वालों की, RSS वालों की, वहाँ पे मैंने बात की थी, किसी के दौरान बात हुई तो वो कहते हैं अरे हमको तो 500-500 रुपया मिला है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा वोट कहाँ दिया है, मैं कहा हमने वोट दिया है हाथी को,
मगर वाले काम करिए, खाइए सबका, वोट दीजिए हाथी को। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन गौरी मायावती जिंदाबाद। देखिए हम इलाहाबाद में उपस्थित थे, हमारे साथ में जो है यशपाल गौतम के सतीश गौतम भाई जी थे, जो उनके कारवा को लेकर एनी टाइम चल रहे हैं, वो खूब क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको मेरा जय भीम और सभी महापुरुषों को मेरा सत सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम BSP स्टार प्रचारक आदरणीय, अमर रहे, अमर रहे और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं आप सभी का छोटा भाई सतीश गौतम, हापुड़ यूपी उत्तर प्रदेश से, आपके राज्य आपके प्रयागराज इलाहाबाद में आया हूं। भाइयों आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, अगर आप अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत कीजिए और पांचवी बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाइए। जहां पर भी मैं गया हूं वहीं से यही जनसैलाब आक्रोश युवा जोश आया है कि बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाना है। आप सभी से मैं हाथ जोड़ता हूँ, गिनती करता हूँ, मेरी माताओं बहनों छोटे भाइयों बुजुर्गों सभी से मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो हाथी का बटन दबाना और बहन कुमारी मायावती को पांच बार मुख्यमंत्री बनाना। मिशन 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में बहन कुमारी मायावती को PM बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बसपा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब अमर रहे, मान्य कांशीराम साहब अमर रहे, मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी अमर रहे, सत सत नमन। हमारे साथ में मौजूद थे यशपाल गौतम के छोटे भाई सतीश गौतम जी, जो उनके कारवा को हर एक जनसभा में हर एक रैली में उनके कारवा को लेकर एनी टाइम चल रहे हैं, ना बिना किसी पैसे के ना किसी संरक्षण को BSP इनको कुछ नहीं देती है, बिना खाए पिए से 20-20 किलो का वजन लेकर एनी टाइम बसपा के रैली में मौजूद रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ता को मेरा सलाम।